ओके गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम लोग हैं जो रन्स जो है वो अपडेट कर सकते हैं रियल टाइम पे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही 4 या 6 जाता है तो हमें एक वैल्यू जो है वो पता नहीं चलता कि कितने रन्स हो चुके हैं, और आउट भी आउट होने के बाद में रन्स भी है जो 0 हो जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं टेस्ट आउट कर रहा था तो मैं बस आउट हो जाता हूँ। ये देखिए, रन्स जो है वो 0 हो गए। एंड आफ्टर दैट लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पर शॉट मारता हूँ तो यहाँ पर 4 जाना चाहिए। नहीं, बॉल तो पकड़ लिया उसने, तो नहीं जाएगा शायद। ये 4 जाना चाहिए, तो यहाँ पर 4 रन्स आ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे 4 रन्स। एंड फिर से मैं एक शॉट मारता हूँ तो 6, ये वाला भी 6 जाएगा या फिर 4 जाएगा। ओके, एंड अगर मैं आउट होता हूँ तो यहाँ पर देखिए 0 रन्स आ जाता है। ओके, और ये प्लेयर बिहेवियर देखिए कैसा चल रहा है। ओके, सो आज के वीडियो में हम ये सीखेंगे इसके कैसे हम लोग ये टेक्स्ट लेते हैं, कैनवास लेते हैं एंड रन्स को भी अपडेट करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर एक यूआई बनाना पड़ेगा। ओके, सो यूआई के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, राइट क्लिक करके यूआई एंड देन एक कैनवास लेना पड़ेगा गाइस। ओके, और एल्स वी कैन डायरेक्टली हम यहाँ पर एक टेक्स्ट लेंगे। ओके, यूआई एंड टेक्स्ट, और ऑटोमेटिकली जो है वो कैनवास आ जाएगा इसके ऊपर। ओके, तो कैनवास यहाँ पर आ चुका है। सबसे पहले कैनवास का कॉन्स्टल पिक्सल साइज है, ये स्केल विद स्क्रीन साइज कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सारे डिवाइसेस जो है वो अलग अलग रहते हैं, सो आप देख पा रहे हैं या नहीं पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा कैनवास बन चुका है। यहाँ पर एक स्क्वायर बन चुका है ये देखिए, और यहाँ पर आ चुका है एक न्यू टेक्स्ट, मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए न्यू टेक्स्ट। ओके, तो गेम व्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू टेक्स्ट आ चुका है। तो स्केल विथ स्क्रीन साइज किया है एंड टेक्स्ट को लीजिए। ओके, एंड टेक्स्ट को कभी भी ये इसका जो सेंटर है ये साइड में कीजिए एंड आल्ट दबा के फिर से एक बार प्रेस कीजिए। ओके, तो ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। देखिए, ये एक बार क्लिक करना है तो वो पिवट पॉइंट चेंज होता है एंड आल्ट दबा के पूरा बॉक्स ही कॉर्नर में आ जाता है। ओके, आई एम सॉरी अगर मुझे थोड़ी सी जुकाम है तो। ओके, तो इसके बाद में यहाँ पर न्यू टेक्स्ट है, यहाँ पर हम रन्स बोल सकते हैं, रन्स टेक्स्ट। नाइस, तो यहाँ पर हम हमारे जो रन्स है वो डिक्लेयर करेंगे कि कितने रन्स है हमारे एंड कितने, जैसे ही 4 जाता है तो 4 रन्स ऐड करेंगे, 6 जाता है तो 6 रन्स ऐड करेंगे। ओके, सो यहाँ पर रन्स यहाँ पर एरियल ही रहने देते हैं और फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं। ओके, 23 आप देख सकते हैं यहाँ पर है, तो मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, इसको 2D व्यू में लाते हैं, ये देखिए, एंड मैं इसे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ सो दैट वी कैन सी हियर। सो न्यू टेक्स्ट, और मैं इसे थोड़ा सा बोल्ड भी कर देता हूँ। नाइस, सो दैट यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं। ग्रेट, ओके, तो यहाँ पर हम नाम देंगे इसे रन्स, कितने हो चुके हैं यहाँ पर हमें पता चल जाएगा गाइस। ओके, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर हमें जाना है गेम मैनेजर स्क्रिप्ट में। ओके, एंड गेम मैनेजर का स्क्रिप्ट जो है यहाँ पर हमें एक इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। अभी इंस्टेंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो पब्लिक स्टैटिक गेम मैनेजर, जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसा ही लिखना है गाइस, इंस्टेंस। ओके, एंड अवेक में हम इसको दे देते हैं। इंस्टेंस इक्वल्स टू दिस। ओके, तो अभी इससे ये लाइन ऑफ कोड से क्या होगा गाइस कि ये वाली स्क्रिप्ट है हम वो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं बाहर से, यानी कि हमें दूसरे स्क्रिप्ट से भी, हम डायरेक्ट सिंगलटन बोलते हैं इसे, तो हम दूसरे स्क्रिप्ट से यहाँ पर इसको ले सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर अवेक में ये कर देंगे एंड यहाँ पर यूनिटी इंजिन डॉट यूआई भी लेना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट जो है वो यूआई में आता है, तो यूजिंग यूनिटी इंजिन डॉट यूआई। ओके, तो यूआई हमने ले लिया, तो यहाँ पर एक पब्लिक टेक्स्ट रन्स
टेक्स्ट। ओके, तो अगर हमने ये नहीं लिया होता तो क्या होता, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट के लिए इशू दिखा देता, टाइप और नेम स्पेस टेक्स्ट कुड नॉट बी फाउंड। ओके, सो इसलिए हमें वो यूआई जो है, लाइब्रेरी जो है, वो इंक्लूड करनी पड़ती है। उसके बाद में गाइज ये जो अपडेट, हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, अपडेट सॉरी पब्लिक वॉइड अपडेट रन्स। ओके, तो यहाँ पर हमने अपडेट रन्स किया है, और रन्स कभी भी फ्लोट में नहीं रहेंगे, सो इंटीजर लेंगे। यहाँ पर एक वेरिएबल पास करेंगे स्कोर। ओके, तो यहाँ पर बस हमको पास करना है कि जो कुछ भी है रन्स, जो सिक्स है तो वो सिक्स पास करेंगे, फोर है तो फोर पास करेंगे। ओके, तो इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो अपडेट रन्स है, यहाँ पर हम करेंगे एक, यहाँ पर एक इंस्टेंस लेना पड़ेगा, इंस्टेंस नहीं एक इंटीजर लेना पड़ेगा, प्राइवेट इंट टोटल रन्स। तो यहाँ पर हम स्टोर करते रहेंगे टोटल रन्स कितने हो चुके हैं। ओके, सो यहाँ पर हम डालेंगे टोटल रन्स इक्वल्स टू टोटल रन्स प्लस स्कोर। ओके, ग्रेट, टोटल रन्स इक्वल्स टू टोटल रन्स प्लस स्कोर। और यहाँ पे टोटल रन्स हम पहले ही ज़ीरो दे देते हैं, यानी कि स्टार्ट में जो है वो हमेशा ज़ीरो ही रहेगा। ओके, आप देख सकते हैं टोटल रन्स इक्वल्स टू टोटल रन्स प्लस स्कोर। हमने क्या किया, टोटल रन्स अगर ज़ीरो है तो ज़ीरो प्लस स्कोर हम अगर सिक्स भेजेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो सिक्स हो जाएगी गाइस। ओके, सो इसके बाद में यहाँ पर हम डिस्प्ले भी करना है हमें रन्स टेक्स्ट में। ओके, तो रन्स टेक्स्ट इक्वल्स हम यहाँ पर स्ट्रिंग में लिखेंगे रन्स स्पेस डैश इक्वल्स प्लस, इसको बोलते हैं कॉनकैट। तो हम यहाँ पर बाहर के टोटल रन्स जो है शो करेंगे। ओके, तो अगर आप नहीं जानते क्या कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर रन्स टेक्स्ट जो है उसके बाद में रन्स टेक्स्ट ये नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसका प्रॉपर्टी लेना है टेक्स्ट, रन टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल टू रन्स, और ये टोटल रन्स यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। अभी बस हमको क्या करना है, ये जो अपडेट रन्स है ये बस हमें जगह जगह पर कॉल करना है। ओके, जगह जगह पर कॉल करना है, तो इससे क्या होता है। ओके, तो अपडेट रन्स यहाँ पर हमें बॉल कंट्रोलर में कॉल करना है। सबसे पहले अवेक में इंस्टेंस इक्वल्स टू दिस, एंड ऑल्सो आई गेस स्टार्ट अवेक में ही ये अपडेट रन्स हम कॉल कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट में ये ज़ीरो ही रहेगा। अपडेट रन्स और ब्रैकेट में यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो सेंड कर देंगे गाइस। ओके, तो यहाँ पर ज़ीरो सेंड होगा, तो ये कहाँ पे जाएगा, F12 दबाऊंगा, इसमें जाएगा, एंड देन इंट स्कोर, स्कोर यहाँ पर ज़ीरो आएगा, टोटल रन्स पहले से ही ज़ीरो है, ये देखिए यहाँ पर टोटल रन्स पहले से ज़ीरो है, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा ये वैल्यू, और यहाँ पर रन्स इक्वल्स टू ज़ीरो दिखाएगा। तो बॉल कंट्रोलर में चलते हैं। ओके, यहाँ पर हमने इट्स अ सिक्स एंड इट्स अ फोर दिया है, तो ये अभी निकालने की बारी आ चुकी है। यहाँ पर अपडेट रन्स और यहाँ पर सिक्स। ओके, और यहाँ पर भी इशू आ रहा है। अभी क्या इशू है, क्योंकि ये दूसरा वाला स्क्रिप्ट है और गेम मैनेजर यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ पर कैसे लेने हैं मैं आपको बताता हूँ। गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस हमने जो क्रिएट किया था तो वो यहाँ पर काम आएगा गाइस। गेम मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट अपडेट रन्स, तो ये जो है इंस्टेंस इक्वल्स टू दिस हमने किया है, तो वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और अपडेट रन्स सिक्स कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट ओके सॉरी तो ऑटोमेटिकली जो है वो अपडेट कर देगा। तो यहाँ पर हम गेम मैनेजर को कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ पर जो है चार रन्स डाल देंगे। ओके, और यहाँ पर जो आउट होता है इट्स अ विकेट, तो अगेन यहाँ पर जो अपडेट रन्स है, यहाँ पर हम रन्स अपडेट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम डायरेक्ट टोटल रन्स जो है ये हम अभी ले नहीं सकते, प्राइवेट है, तो पब्लिक टोटल रन्स
टोटल रन्स इक्वल्स टू जीरो, यहाँ पर आउट होने पर टोटल रन्स हम डायरेक्टली जीरो सेट कर रहे हैं। देखते हैं गाइस क्या होता है, सब कुछ तो ठीक से चल जाना चाहिए। हमें सबसे पहले ये वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ओके। सो यहाँ पे गेम मैनेजर पे सबसे पहले हमें जो रन टेक्स्ट है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा, ओके। तो यहाँ पर एक है रन्स टेक्स्ट और ये है, यहाँ पर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ग्रेट। तो रन्स यहाँ पर जैसे मैं प्ले करता हूँ, देखते क्या होता है गाइस। ओके, तो यहाँ पर आ चुका है रन्स इक्वल्स टू जीरो। अभी मैं बॉल थ्रो करता हूँ, देखते क्या होता है, रन्स इक्वल्स टू जीरो क्योंकि आउट हो चुके हैं। और मैं शॉट, ओके शॉट कर दिया मैंने, तो रन्स जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 रन आ चुके हैं। और अगर मैंने और एक मारा तो 12 रन्स क्योंकि 6 गया फिर से, अभी 4 जाएगा तो 16 रन्स हो गए देखिए। और अगर मैं आउट होता हूँ तो ओके, तो 6 रन्स गए। अभी मैं जानबूझ के आउट हो जाता हूँ, देखते क्या होता है। ओके, तो इट्स आउट। आउट के लिए गाइज यहाँ पर नहीं दिखा रहा है, 0 नहीं हो रहा है, देखना पड़ेगा क्या है, बस एक मिनट देखते हैं। तो बॉल कंट्रोल जो है वो आउट, बॉल काउंट यहाँ पर 1 होता है। यहाँ पर टोटल रन्स हम इसको 0 सेट कर रहे हैं, कंपेयर टैग आउट, तो आउट भी कर रहे हैं, तो टोटल रन्स जो है वो 0 सेट हो जाएंगे। ओके ओके, तो हमने यहाँ पर टोटल रन्स तो 0 सेट कर दिया है, लेकिन हमने यहाँ पर अपडेट नहीं किया टेक्स्ट, ओके। तो हमें फिर से यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा हमारे टेक्स्ट, कंट्रोल भी अपडेट, और यहाँ पर भी हम 0 ही सेट कर देंगे, ओके। या फिर हमें डायरेक्टली टेक्स्ट ये वाला जो है ये भी हम डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पर 0 सेट किया तो ये भी हो सकता है गाइस, दोनों टाइप से हो सकते हैं। चलिए देखते, हमने वैल्यू को अपडेट ही नहीं किया था इसलिए थोड़ा इश्यू आ रहा था। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ, कोई इशू नहीं आ रहा है। रन्स जो है वो 0 दिखाएगा सबसे स्टार्ट में, ओके। सो पी स्पेस 6 4 या फिर 6 12, ये वाला भी 4 जाएगा शायद, या अभी मैं जानबूझ के आउट हो जाता हूँ, देखते क्या होता है। 0, नाइस। और अगर मैं फिर से शॉट मारता हूँ तो 6, ये वाला 10, यानी कि 4 रन्स, ओके नाइस। तो हमारा जो कोड है वो वर्किंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी फ्यूचर में वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक भी कीजिए। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज़।